हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कोडर क्या होते हैं, प्रोग्रामर क्या होते हैं और डेवलपर क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को इस पे कंफ्यूजन है कि कब हम किसी को कोडर बोल सकते हैं, कब हम किसी को प्रोग्रामर बोल सकते हैं, कब हम किसी को डेवलपर बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग या फिर जो न्यू आते हैं आईटी कंपनीज में, उनको भी ये कंफ्यूजन रहता है कि हम लोग कब कोडर बनेंगे, कब प्रोग्रामर बनेंगे, कब डेवलपर बनेंगे। तो आज के वीडियो में पूरा ये आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जो कोडर, प्रोग्रामर और डेवलपर, तीनों के तीनों जो है वो कोडिंग लिखते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि प्रोग्रामर और डेवलपर कोडिंग नहीं करते हैं, तीनों के तीनों कोडिंग करते हैं। बट डिफरेंस ये है कि जो कोडर होते हैं, कोडर हम किसको बोल सकते हैं, जब हम लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करते हैं या फिर बीएससी आईटी या फिर कोई और जिसमें प्रोग्रामिंग होता है, तो उसके अंदर आप लोग जानते हैं कि हमारे पास एक बुक रहता है, उस बुक को लिख के हम लोग जो हमारा कोड एडिटर है उसके अंदर हम लोग टाइप करते हैं और कुछ आउटपुट उसका आता है, तो देख के हम लोग जो टाइप करते हैं वो कोडर होते हैं। मीन्स स्टार्टिंग से ही हम कोडर होते हैं, जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं तो वही टाइम हम लोग कोडर बन जाते हैं, मतलब कॉलेज स्टूडेंट को हम लोग कोडर बोल सकते हैं। अब प्रोग्रामर क्या होते हैं, प्रोग्रामर में क्या होता है कि वो लोग लॉजिक लगा के खुद से कोड करते हैं। जैसे अगर हमें सम ऑफ टू नंबर मतलब प्रिंट कराना है, कोई भी नंबर दो दिया गया है उसका सम या फिर मल्टीप्लीकेशन कोई भी हमें प्रिंट कराना है, तो उसमें जो लॉजिक लगेगा वो खुद से अगर कोई करता है बंदा, तो उसको प्रोग्रामर बोलते हैं। प्रोग्रामर मतलब क्या होता है, वो खुद से लॉजिक लगा के कोडिंग करेगा, वो भी कोडिंग करेगा लेकिन खुद से लॉजिक लगाएगा। और कोडर क्या रहता है, वो देख के कोडिंग करता है, जो हमारे पास रहेगा उसी कोड को देख के वो कोड एडिटर में सिर्फ टाइप करके आउटपुट लाएगा। और प्रोग्रामर क्या, खुद से लॉजिक लगा के खुद से उसको कोडिंग करेगा और कुछ आउटपुट लाएगा। अब ये दोनों तो क्लियर हो गया। अब डेवलपर क्या होते हैं, डेवलपर दोनों का मिक्सअप होता है, वो कोडिंग भी करता है लॉजिक भी लगाता है, लेकिन साथ ही साथ वो पूरे टेक्नोलॉजी को देख के वर्क करता है कि कौन सा न्यू टेक्नोलॉजी है, कौन से इजी रहेगा कोई भी वेबसाइट को बनाने, वेब एप्लीकेशन को बनाने या फिर जो हमारा एप्लीकेशन है, ऐप है, तो पूरा देखता है वो एनवायरमेंट को, मतलब कौन सा टेक्नोलॉजी न्यू आया है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट रहेगा, सब कुछ देखता है, उसके हिसाब से कोडिंग करता है, लॉजिक लगाता है, सब कुछ बिल्ड करता है और एक गुड प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करता है, उसको हम लोग डेवलपर बोलते हैं। डेवलपर भी कोडिंग लॉजिक सब लगाता है। तो डेवलपर क्या, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी डेवलपर हो सकते हैं, फुल स्टैक डेवलपर हो सकते हैं, जैसे जावा हुआ, सी शार्प हुआ, अगर इसको आता है तो फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। कोडर क्या होते हैं, उनको कोई भी लैंग्वेज का कोडिंग दिया जाता है तो वो सिर्फ टाइप करते हैं। प्रोग्रामर क्या होते हैं, लॉजिक लगाते हैं। और आप लोग को पता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सेम लॉजिक होता है, बस सिंटेक्स अलग होते हैं, लॉजिक हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेम होता है। अब ऐसा नहीं कि तीनों का मार्केट में वैल्यू नहीं है, तीनों का मार्केट में वैल्यू है, कोडर की भी जरूरत है, प्रोग्रामर की भी जरूरत है और डेवलपर की भी जरूरत है। और आप लोग ये जानते ही होंगे, जब हमारा फर्स्ट जॉब लगता है, जब हम लोग फ्रेशर रहते हैं, एज अ फ्रेशर कहीं पे कंपनी में कोई काम करने जाते हैं, तो हमारा जो फर्स्ट या टू मंथ रहते हैं, फर्स्ट टू मंथ, तो वो हमें एज अ कोडर ही लेते हैं, मतलब जो प्रोग्रामर है वो लॉजिक लगा के देगा, पूरा लॉजिक बताएगा, बस हमें कोडिंग करना रहता है, मीन्स हम कोडर रहते हैं। उसके बाद थोड़े दिन बाद हम प्रोग्रामर बनते हैं, क्योंकि खुद से हम लोग लॉजिक लगाने लगते हैं, और उसके बाद एक्सपीरियंस होने के बाद हम लोग डेवलपर भी बन जाते हैं। आई होप आज के वीडियो से आपका ये तीनों डाउट खत्म हो गया होगा। अगर कुछ डाउट और भी बचे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।